हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पबजी गेम के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। तो दोस्तों, आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो मुद्दे की बात यह है कि पबजी मोबाइल गेम इंडिया में होने वाला है बैन। तो दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो आप सभी को पता होगा कि पबजी मोबाइल गेम चाइना में पूरी तरीके से बैन हो गया है और इसकी शुरुआत इंडिया में भी हो गई है। तो पहले बात करते हैं चाइना की, चाइना में यह गेम क्यों बंद हुआ। तो आपको पता होगा कि चाइना के पबजी गेम यूज़र की जनसंख्या पिछले कई महीनों में 10 गुना बढ़ गई है। तो उनकी सरकार यह मानती है कि इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और आपको तो पता होगा कि उनकी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश किसी देश से नीचा हो। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि उनकी सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेती है अपने देश को लेकर। आपको पता होगा कि उनका देश हमेशा आगे रहता है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो दोस्तों, इंडिया में कई क्षेत्रों में यह पबजी मोबाइल गेम पूरी तरीके से बैन हो गया है। जयपुर के कई कॉलेजों में यह पबजी मोबाइल गेम बंद हो गया है। उस कॉलेज के वाईफाई पर कुछ ऐसी प्रॉक्सी सेट कर दी है जिससे हम पबजी मोबाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जयपुर में एक दो कॉलेज नहीं, लगभग सभी कॉलेजों में यह पबजी मोबाइल गेम बैन हो गया है पूरी तरीके से, और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में यह पबजी मोबाइल बैन हो गया। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत इंडिया में हो गई है, और धीरे धीरे यह भी सभी क्षेत्रों में फैल जाएगा और बैन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसे आप बस सेव कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इसे सेव करने के लिए हमें इसे कम से कम यूज़ करना होगा, जिसके कारण हमारी सरकार यह ना सोचे कि पबजी मोबाइल गेम का इफेक्ट हमारे यूथ पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस कारण से सरकार को यह कदम नहीं उठाना पड़ेगा, इस गेम को बैन नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया और अब फिर बता देता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस गेम को कम से कम यार 1-2 घंटा खेलें, ज़्यादा नहीं। कुछ बंदे होते हैं दोस्तों, पूरी रात खेलते हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे खेलते हैं। तो ऐसे में वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। तो इस कारण से चाइना की सरकार ने ये कदम उठाया और इंडिया में भी इसका प्रकोप फैल गया है पूरी तरह से, और इंडिया में धीरे धीरे ये गेम बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे सेव करने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और अब एक बार और बताता हूँ कि यार ये गेम है, इसको गेम की तरह खेलो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी तो आपके दोस्त हैं यार, उनको भी थोड़ा पबजी मोबाइल गेम के बारे में पता चले। और गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि गेम से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।